हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक जो साइंस का चैप्टर हम लोग कर रहे थे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वो कंटिन्यू करेंगे। हमने अपना एयर पॉल्यूशन चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं अफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए, एयर पॉल्यूशन के अफेक्ट्स पढ़ने से पहले कुछ हम जो गैसेज प्रेजेंट होती हैं परसेंटेज की कितना परसेंट पूरे अर्थ में कैसे हैं गैसेज, उसको हिसाब से हम फिर अफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, मीथेन एक्सेट्रा। तो अब हम इसको एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। देखिए, पहले ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि एयर जो है वो काफ़ी गैसेस और पार्टिकल्स का मिक्सचर है, डस्ट पार्टिकल्स का। ये आप इमेजिन करिए, ये अर्थ है। आप ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं 90% इसमें से निकाल दीजिए एंड ब्लू पोर्शन में आधे से नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन 78.98%। नाउ देन इस 90% में से अगर मैं 80% मानूँ तो उसमें पता है 20.95% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिर बचा हुआ 20 यू कैन इमेजिन उसमें अदर गैसेज आ जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो 0.03% प्रेजेंट है। लेकिन जैसे डे टू डे एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है अफेक्ट्स अब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा ऑक्सीजन कम होते जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, तो ऐसा हो रहा है, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के अफेक्ट्स क्या हैं? अगर हम अफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये एक लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। देखिए, पहला चीज़ हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब डे टू डे कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में ज़्यादा होना और अदर गैसेस पार्टिकल्स और जो इतना जो स्मोक होता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन अदर गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन फेनोमेना कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एज अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अननेचुरली इंक्रीज होना अर्थ में टेम्परेचर का, ज़्यादा गर्मी होना। गर्मी इसलिए हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। कुछ मेजर कॉजेज हैं एयर पॉल्यूशन के, ना यहाँ पे कुछ कॉजेज बताए हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रिलीज ऑफ मीथेन ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी हम इस पर भी आएंगे। नाउ अब ग्लोबल वार्मिंग, तो पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, कि ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है एक्सेट्रा। नाउ अब ये क्यों बढ़ रहा है, इससे पहले कि हम इस टर्म ग्रीन हाउस अफेक्ट से फैमिलियर होना चाहते हैं, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया अदर गैसेज में कौन सी गैसेज आ जाती हैं, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसके कारण अर्थ एटमॉस्फेयर जो है सोलर रेडिएशन के कारण, बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन जो प्रेजेंस होती हैं गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, इन सबको जो वो ट्रैप कर लेती है, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस अफेक्ट। लेकिन अब ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, लेकिन इसके कुछ यूजेस भी हैं। यूजेस कुछ ऐसे हैं जैसे कि अगर नेचुरल ग्रीन हाउस अफेक्ट नहीं होगा तो हमारा अर्थ सरफेस हमारे लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, ठंड, तो रहना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, पूरा कोल्ड हो जाएगा, गर्मी तो होगी ही नहीं। एंड इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बियॉन्ड नेचुरल लिमिट्स एंड कॉज ऑफ वरी। नाउ अब हम एक डायग्राम के थ्रू इस ग्रीन हाउस अफेक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें मतलब कैसे होता है, सन की रेज आती हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो पहला ये प्रोसेस है कि अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस पर जब सन की रेज पड़ती है, सनलाइट पेनिट्रेट्स द एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स द अर्थ सरफेस। सन की जो लाइट होती है वो उस सरफेस पर पड़ती है और पूरे अर्थ के सरफेस को गर्म बना देती है। नाउ नेक्स्ट होता है जो अर्थ सरफेस है उसमें जो हीट होती है एटमॉस्फेयर में वो
ये सारी गैसेस को एस्केप मतलब अपने आप ट्रैप कर लेती हैं, और ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ के सरफेस पर ला देती हैं। ऐसे तो इस प्रोसेस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट जो ये है कि जब और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, इसी के कारण तो बढ़ रही हैं और ज़्यादा ट्रैप करेंगी अर्थ सरफेस पर, तो ये रिजल्ट हो जाएगा कि अर्थ का जो सरफेस है उस पर अर्थ में जो पूरा टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। नाउ अब हम आते हैं कुछ कॉजेस पर जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ कॉजेज हैं। देखिए पहला कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण पॉसिबल अफेक्ट क्या है पहले मैं बता दूँ। जैसे फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्रीज कट हो रहे हैं, पहली बात तो ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती हैं, ऑक्सीजन से हमें फूड मिलता है, फूड हम खाते हैं, फिर उसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर ट्रीज ही नहीं बचेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में मिक्स होगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व ही नहीं इनहेल नहीं करेगा, तो ऐसी डे टू डे एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का अफेक्ट क्या है, जैसे कि जो पोलर आइस कैप्स होते हैं वो डे टू डे मेल्ट होते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि रिलीज ऑफ मीथेन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो खाद वगैरह मैटर होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो हमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, तो अगर ये सब होंगे नहीं ऑर्गेनिक मैटर, तो इसके कारण मीथेन जो गैस हार्मफुल गैस प्रेजेंट होती है एयर में, और इसके कारण भी ग्लोबल जो वार्मिंग है वो ज़्यादा हो सकता है, फ्लडिंग मतलब तूफान ये सब आ सकते हैं। तो ये थे अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे कि एसिड रेन के बारे में और एसिड रेन के कारण जितने भी अफेक्ट्स हैं और अफेक्ट्स उस पर, अगर एसिड रेन के कारण प्लांट पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ओजोन लेयर एंड एक्सेट्रा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।